रहीम, अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। आई होप यू आर ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। सो दिस इज़ योर ग्रामेटिकल क्लास ऑफ इंग्लिश। एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड आवर इंग्लिश ग्रामर सिलेबस एंड वी हैव डन आवर एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, सिंगुलर प्लूरल्स, एसे, माई बेस्ट फ्रेंड, लेटर टू फादर आस्किंग फॉर मनी एंड डेफिनेशन ऑफ नाउन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। आज जो हमने करना है वो है हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। फोर क्लास बेसिकली प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस मोस्ट ईजी टेंस है। सबसे पहला टेंस है, तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उन तीनों के अंदर आगे उनके चार पार्ट्स होते हैं। लाइक प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसी तरह पास्ट की भी ऐसे ही होते हैं, फ्यूचर के भी ऐसे ही होते हैं। और प्रेजेंट इनडेफिनिट जो है वो बेसिकली सबसे पहला टेंस है, सबसे पहला और सबसे ईजी, मोस्ट ईजी टेंस है। इसमें बिल्कुल भी घबराने की, मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे आसान चीज़ें आती हैं। लाइक अगर मैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बात करूं तो इसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। अगर मैं बात करूं उसकी सब्जेक्ट्स की तो वो सारे सब्जेक्ट्स जो यूज़ होते हैं वो सारे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो फोर क्लास प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात जहाँ पे हम कर रहे हैं वहाँ पे आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। लाइक कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। जब आपने नेगेटिव बनाना है बस तब आपको डू या डज का यूज़ करना होता है, और डू डज के यूज़ में आपको पता होना चाहिए कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ यूज़ होगा। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव कंसिडर्ड या यू हैव अंडरस्टैंड। ओके जी, प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात हमने कर ली, अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है फोर क्लास। तो आज का लेक्चर जो है वो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, तो आप ज़रा इसको ध्यान से, अपना दिमाग खोल के अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ द मार्जिन लाइन्स ऑन द 4 to 5 पेजेस। As you all see this, that this is your copy that is was given to you by NPS. NPS की तरफ से जो आपको English B की copy दी गई थी ये वो है, ठीक है जी। हमने सबसे पहले margin lines draw कर लेनी है 4 to 5 pages पे। All of you just have to draw the margin lines on 4 to 5 pages, ताकि बाद में आपको margin line draw करने की ज़रूरत ना पेश आए। काम में रुकावट आती है अगर बार बाद में आप देखें कि हम एक थॉरली एक फ्लो से काम कर रहे होते हैं एंड सडनली यू सी दैट कि मार्जिन लाइन नहीं है, आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो वह काम थोड़ा सा डगमगा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हेयर द डेट एंड डे, एंड डेट एंड डे इज़ ऑल फ्रॉम योर पॉइंटर्स। आपने अपने पॉइंटर से डेट एंड डे लगा लेनी है। एंड टुडे इज़ जुलाई 20th जुलाई है आज। सबसे पहले हम यहाँ पर मंथ लिखते, डेट लिखते हैं, दैट इज़ 20th, 20 के ऊपर अ लिटिल TH, फिर मंथ जुलाई कोमा 2020, जस्ट लाइक दिस। एट द मिड ऑफ द पेज वी आर गोइंग टू राइट हियर द क्लास वर्क, and at the right corner of the page we are going to write here the day, that is Monday. Understand four class, this is the thing that I am going to tell you in our every lecture. अब तो इसकी आपको आदत हो जानी चाहिए, और मेरी क्लास में काम स्टार्ट करवाने से पहले ही आप डेट एंड डे लगा लिया करें, ताकि बाद में आपको किसी किस्म का भी मसला ना हो, ठीक है जी। नाउ इट्स टाइम टू राइट हेयर टॉपिक। टॉपिक है हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, सो वी आर गोइंग टू राइट हियर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। लाइक यू हैव टू राइट इट इन अ वेरी नीट एंड क्लीन राइटिंग। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस फोर क्लास, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। काम जैसे मैं करवा रही हूँ आपने बिल्कुल वैसे करना है। अपनी मर्ज़ी से कोई किसी किस्म का काम नहीं करना, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं आपने करना। यू जस्ट ड्रॉ और राइट एवरी थिंग दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर। जैसे मैं लिख रही हूँ, लिखने जा रही हूँ, वैसे ही आपने लिखते चले जाना है।
इनके नीचे लाइंस ड्रॉ कर लें। चलें जी, सबसे पहले मैं आपको फोर क्लास बता दूं कि उर्दू में जब सेंटेंस आता है तो आप उसकी पहचान कैसे करते हैं। लाइक आपको एक सेंटेंस दिया गया है उर्दू में, आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो यहाँ पे हम पॉइंटर से हेडिंग देंगे उर्दू में पहचान। उर्दू में पहचान लिखना शुरू करते हैं। फिक्रे के आखिर में ता है, ती है और ते हैं वगैरह आता है। लिखा हुआ है कि जब आपको कोई भी सेंटेंस उर्दू में दिया जाता है तो उस सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है और ते हैं वगैरह आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना खाता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, हम बाग में जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं ता, ती, ते। ठीक है, नेक्स्ट इज़, अब इंग्लिश में जब आपने लिखना है तो आपने एक फॉर्मूला आपको दे दिया जाता है कि इस तरीके से, इस अरेंजमेंट से आपने सेंटेंस लिखना है। फॉर्मूला में सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। लेट मी टेल यू वन थिंग फोर क्लास, सब्जेक्ट मतलब कि जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ तो आई एक सब्जेक्ट है, हम काम कर रहे हैं तो हम में वही एक सब्जेक्ट है, वो काम कर रहे हैं तो वो में वो सब्जेक्ट है, मतलब कि दे। तुम काम कर रहे हो, तुम में तुम सब्जेक्ट है तो तुम, यू। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स को सब्जेक्ट कहते हैं जो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हमारे पास आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है। यहाँ लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है कि आपने वर्ब की थ्री फॉर्म्स पढ़ी हैं प्रीवियस क्लास में। थ्री क्लास में आपने वर्ब की तीन फॉर्म्स पढ़ी हैं, फ़र्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जहाँ यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी फोर क्लास, और उसके साथ साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड फोर क्लास। आई एम गोइंग टू चेंज समथिंग, मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया, लाइक सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस। अब देखें, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा लाइक ही, शी, इट, ही, शी, इट के साथ एस या ई एस यूज़ होगा, और जब प्लूरल वर्ब और सब्जेक्ट्स होंगे लाइक आई, वी, दे, यू, उनके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर्स के साथ लगेगा जिसमें ही, शी और इट आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज़ जिस पर काम किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद आ जाती है बारी नेगेटिव की। ये तो सिंपल, मतलब कि मैं कार चलाता हूँ। ठीक है, अब आ गया मैं कार नहीं चलाता हूँ, नेगेटिव। तो नेगेटिव में दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं फोर क्लास, डू और डस। अब वो कैसे लगने हैं, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू या डस। प्लस नेगेटिव है तो नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस
object. फोर क्लास, अब मेरी बात जरा गौर से सुने। दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज, ये दोनों यूज़ होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डू उनके साथ लगता है जहाँ पर प्लूरल चीज़ें होती हैं, लाइक आई, वी, दे, यू। अगर आता है मैं एक कार नहीं चलाता हूँ, आई डू नॉट ड्राइव अ कार। लेकिन अगर आता है वो एक कार नहीं चलाता है, लड़के की बात हो रही है, तो ही डज नॉट ड्राइव अ कार। अंडरस्टैंड, ही, शी, इट के साथ डज आएगा और आई, वी, दे, यू के साथ डू आएगा। ये टेबल भी मैं आपको आगे बनवा दूंगी। अगली बारी आ जाती है हमारी इंट्रोगेटिव की, मतलब कि अगर सवालिया जुमला आता है तो सवालिया जुमले को आप कैसे लिखेंगे। उसमें सबसे पहले डू और डज आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हमेशा सवालिया जुमले में पहले आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, एक सवालिया जुमला है, इसीलिए इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ज़रूर पुट करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर क्लास। अब मैं आपको बताती हूँ कि डू किसके साथ यूज़ होना है और डज किसके साथ यूज़ होना है। इसका हम एक टेबल बना लेते हैं। देखें, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ फोर क्लास, ऐसे ही आपने टेबल बना लेना है। फर्स्ट में आ जाएगा डू, सेकंड में आ जाएगा डज, ठीक है जी। डू किन के साथ यूज़ होता है? आई, वी, दे, यू, ठीक। डज किसके साथ यूज़ होता है? ही, She, it। अब does किसी भी singular चीज़ के साथ भी use होता है, like my school, the pen, a book, ठीक है। और do plurals के साथ use होता है, जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं, plural, plural। ओके, दिस इज़ द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। डू यूज़ होता है आई, वी, दे, यू और किसी भी प्लूरल चीज़ों के साथ, और डज यूज़ होता है ही, शी, इट और सिंगुलर चीज़ों के साथ। ओके जी, फोर क्लास, ये था सारा माजरा जो कि मैंने आपको सुना दिया है। नाउ इट्स टाइम टू डू सम प्रैक्टिस। अब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं सेंटेंसेस की, ठीक है जी। तो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं। पहला और सबसे इजी सेंटेंस है आपका, मैं एक कार चलाता हूँ। मोस्ट इजी सेंटेंस नंबर वन, मैं एक कार चलाता हूँ। सबसे पहले तो आपने देखना है कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। सब्जेक्ट है मैं, ठीक है। अब आपने देखना है कि वर्ब काम क्या हो रहा है यहाँ पर। कार चलाना, कार चलाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राइव। कार चलाना, ड्राइविंग करना। मैं एक कार चलाता हूँ, मैं की इंग्लिश आई लिख लेते हैं, आई, कार चलाना, ड्राइव, सिंपल ड्राइव, जस्ट ड्राइव। क्या चला रहे हैं? कार, आई ड्राइव अ कार, सिंपल। मैं एक कार चलाता हूँ, आई ड्राइव अ कार। इसी को जब हम नेगेटिव में बनाते हैं, इसमें नहीं लिख देते हैं, मैं एक कार नहीं चलाता हूँ,
मैं एक कार नहीं चलाता हूँ। हाँ जी, मैं आई के साथ क्या यूज़ हो रहा है, डू या डज? ऊपर देखें, डू यूज़ हो रहा है या डज आई के साथ? डू। तो आई डू नहीं, नॉट। आई डू नॉट ड्राइव अ कार। ठीक है जी फोर क्लास, आगे अब हम इसी को सवालिया में बता लेते हैं। सवालिया जुमला बनाते हैं। क्या मैं एक कार चलाता हूँ, आगे क्वेश्चन मार्क। क्या मैं एक कार चलाता हूँ, जब क्या आ जाता है तो बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा, तो डू स्टार्ट में आ जाएगा। डू आई ड्राइव अ कार क्वेश्चन मार्क। ठीक है फोर क्लास, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। एक और सेंटेंस इसका बनता है, वो भी साथ में बना लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आ जाएगा, क्या मैं एक कार नहीं चलाता हूँ, क्या मैं एक कार नहीं चलाता हूँ। इसमें नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। तो सबसे पहले तो अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा डू, सब्जेक्ट आई नॉट ड्राइव अ कार। डू आई नॉट ड्राइव अ कार, क्या मैं कार नहीं चलाता हूँ। तो ये आ गया नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी, दोनों एक ही सेंटेंस में। ओके जी फोर्थ क्लास, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। हाँ जी, नंबर 5, हम इकट्ठे खेलते हैं, हम इकट्ठे खेलते हैं। हम की इंग्लिश वी, खेलना प्ले, इकट्ठे टुगेदर। वी प्ले टुगेदर, वी हम प्ले खेलते हैं इकट्ठे टुगेदर। इसी का नेगेटिव, हम इकट्ठे नहीं खेलते हैं। वी, हाँ जी अब बताएं वी के साथ डू आता है या डज, पीछे देख के बताएं। जो आपने लिखा था उसमें देख के बताएं वी के साथ डू आता है या डज। डू, वी डू नॉट प्ले टुगेदर, वी डू नॉट प्ले टुगेदर। नंबर 7, इसको इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, सवालिया। क्या हम इकट्ठे खेलते हैं, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग पे आ जाएगा डू, वी प्ले टुगेदर। ओके जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 8, अम्मी जान खाना पकाती हैं,
अम्मी जान खाना पकाती हैं. अम्मी जान की इंग्लिश मदर. खाना पकाना कुक. अब मैंने आपको बताया था कि जब सिंगल आती है, सिंगुलर वर्ड आ जाता है तो उसमें एस या ईएस लगता है, पीछे बताया था ना आपको. तो मदर कुक्स द खाना मील. मदर कुक्स द मील. अम्मी जान खाना नहीं पकाती हैं. सिंगुलर के साथ डू आएगा या डज, पीछे देख के बताएं. पीछे जो टेबल बनाया है उसमें देख के बताएं फोर क्लास कि सिंगुलर के साथ डू आएगा या डज. डज आएगा. मदर डज नॉट कुक द मील. फोर क्लास आपने ये मुझे पूछना होगा, आपके दिमाग में ये ज़रूर बात आई होगी कि यहाँ पर हमने कुक क्यों लिखा है, यहाँ पर तो हमने कुक्स लिखा था. तो यहाँ पे हमने कुक इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जो एक एस था वो इसके पास आ गया. जब भी हम डज लगा लेते हैं तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस होता है वो हम मेंशन नहीं करते क्योंकि एस यहाँ पे आ जाता है और एक सेंटेंस में एक बार ही आ सकता है, या तो डज के साथ आ जाएगा या इसके साथ आ जाएगा. तो जब भी नॉट आएगा हम सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे तो इनका एस नहीं आएगा. मदर डज नॉट कुक द मील. क्या अम्मी जान खाना पकाती हैं, इसकी सिर्फ इंग्लिश बताएं. हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा. क्या अम्मी जान खाना पकाती हैं, हेल्पिंग वर्ब डज. डज मदर कुक द मील. नेक्स्ट इज वो पत्थर फेंकता है. वो पत्थर फेंकता है. वो लड़का है. ही फेंकना, फेंकने की इंग्लिश होती है थ्रो, टी एच आर ओ डब्ल्यू थ्रो. क्या फेंक रहा है, स्टोन. ही थ्रो स्टोन. सिंपल. वो पत्थर नहीं फेंकता है. पीछे देख के बताएं कि ही के साथ क्या यूज हो रहा है, डू या डस. वो पत्थर नहीं फेंकता है. He does not throw stone. फोर क्लास यहाँ पे throws आएगा क्योंकि he के साथ एस या ईएस लगना था, इसलिए यहाँ पे एस लगा दिया. जब हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो throw आ गया, एस का हमने does के साथ लगा दिया. नेक्स्ट 13 इज क्या वो पत्थर फेंकता है. हाँ जी, डज स्टार्टिंग पे आ जाएगा. डज ही थ्रो स्टोन क्वेश्चन मार्क. लास्ट इज तुम मुझे नहीं बुलाते हो. सबसे पहले तो तुम की इंग्लिश यू. यू के साथ डू आता है या डज, पीछे देख के बताएं. डू. You do not बुलाना, call मुझे, me.
यू डू नॉट कॉल मी. फोर क्लास दैट्स इट. आपका आज का लेक्चर हुआ ख़त्म. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. अगेन एक दफ़ा आपको रिकॉल करवा देती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ चीज़ें. सबसे पहले ये कि आपने ये वाला जो डूडस का टेबल है वो आपने फोर क्लास बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ताकि आपको अगर आप ये याद कर लेंगे ना तो आपके सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे. इसके साथ साथ जो मैंने आपको ये लिखवाई हैं, जो आपको फार्मूलाज दिखवाए हैं, जो सिंटेक्स दिखवाए हैं, ये सारे तीन के तीन सिंटेक्स आपको याद होने चाहिए. इनको मार्क मैं कर देती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर हैं. ठीक है, ये तीनों के तीनों सिंटेक्स लाइक सिंपल में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, नेगेटिव में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और इंट्रोगेटिव में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ये मैंने तीनों मार्क कर दिए हैं. ये तीनों आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं. ठीक है जी, फोर क्लास आज का लेक्चर हमारा इतना ही था. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. इंशाल्लाह ताला अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.